आप सब कैसे हैं? आज मेरी सर्जरी होने वाली है। ये देखो, इसके पैरों में कांच के टुकड़े हैं जो उसे दर्द पहुंचा रहे हैं। बेचारी शफा, आज का दिन कौन सा है? मेरी सर्जरी। ओ, आज तुम सर्जरी के लिए जाने वाली हो? आज हम हॉस्पिटल जाएंगे। वो अपने साथ एक बैग ले जाने वाली है। मैं दिखाती हूँ उसके अंदर क्या है। दिखाओ हमें जल्दी जल्दी। मेरे पास इसमें एक ड्रेस है, कपड़े और टूथपेस्ट और ब्रश और ये वाली क्रीम और कंघा और वाइप्स और फोन चार्जर। वो इसलिए क्योंकि वो हॉस्पिटल में अगर सो जाए तो उसके पास यूज करने के लिए अपना सामान है, राइट? हाँ, ये मेरे पास है। मैं कुछ टॉफीज भी लेकर जाऊंगी, मैं उसे खाऊंगी जब मेरा मन करेगा। हाँ ठीक है, ये सही है। शफा, अपना सामान बैग में रख लो, चलो हॉस्पिटल चलते हैं। मुझे सर्जरी के लिए बहुत डर लग रहा है। शफा डरो मत, ओके? ये आसान होगा, मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी और सब कुछ अच्छा होगा, ओके? ओके, अब हम हॉस्पिटल जाने वाले हैं, दुआ करो और डरो मत स्वीटी, ओके? ओके, बहादुर बनो और चलो, ओके? अब हम हॉस्पिटल आ गए हैं और वो डरी हुई है। डरो मत, भगवान पे विश्वास रखो, ओके? डरो मत। अब हम हॉस्पिटल आ चुके हैं, चलो बोलो बिस्मिल्ला। उसके पैरों को देखो। अभी मैं पीसीआर टेस्ट के लिए जाने वाली हूँ, क्योंकि सर्जरी से पहले वो जानना चाहते हैं मुझे कोरोना तो नहीं है। क्या पीसीआर तुम्हें दर्द कर रहा है? नहीं। बहुत अच्छा, चलो अभी के लिए इतना ही। देखो उन्होंने क्या लगाया, ताकि इसके द्वारा मेडिसिन को अंदर डाला जा सके, राइट? क्या ये दर्द कर रहा है शफा? शफा जल्दी ठीक हो जाओ, भगवान से दुआ करूंगी तुम ठीक रहो। ये देखो, वो शफा को कुछ इंजेक्शंस लगा रहे हैं। देखो मुझे लग रहा है ये ठंडा हो गया है। अरे ये ठंडा हो गया? ओ, आज तुम्हारा सर्जरी के बारे में क्या ख्याल है? मुझे नहीं पता। क्या तुम नर्वस हो या डर लग रहा है? वो तुम्हारे घाव को साफ कर देंगे, वो डरी हुई है। शफा बहुत अच्छे, जल्दी ये ठीक हो जाएगा, ओके? भगवान तुम्हारी रक्षा करेगा, तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। वो उसे प्राइवेट रूम में शिफ्ट कर रहे हैं ताकि वो सो सके और सुबह में उसकी सर्जरी होने वाली है, ओके? आज तुम यहाँ पर हॉस्पिटल में सोने वाली हो, ये बहुत अच्छे होने वाला है और डेकोरेट किया गया है ताकि तुम्हें डर ना लगे। ऑफ कोर्स तुम खा सकती हो, लेकिन सर्जरी से 8 घंटे पहले तुम्हें फास्ट रखना होगा, ओके? देखो रूम और बेड कितना क्यूट है, सच में ये बहुत अच्छा है। ये मेरा बेड है और ये वाला बेड, यहाँ मैं सोने वाली हूँ, शफा के बगल में ही मैं सोने वाली हूँ। वो मेरे लिए बेड बना रही है, थैंक यू शफा। सलाम अलैकुम। अब्दुल्ला आ गया। मेरी प्यारी शफा, आओ। मेरी प्यारी शफा, तुम्हें सोने की जरूरत है। देखो तुम्हारे लिए फोन लाया हूँ। शफा डिनर कर लो, कल तुम्हारी सर्जरी है। शफा डिनर कर लो, क्योंकि कल तुम्हारी सर्जरी होने वाली है। बिस्मिल्ला, मेरे पास अभी भी 10 मिनट बाकी हैं। कल तुम्हें सर्जरी के लिए फास्ट रखना होगा, क्योंकि एनेस्थीसिया देने वाले हैं, है ना? टेस्टी। तो अब से फास्टिंग स्टार्ट हो गई। ये हो गया, अब तुम कुछ नहीं खाओगी, ठीक है? मैं अपनी बहन से बात करने वाली हूँ, जूम कॉलिंग। हे आरवा। हाय, तुम जल्दी ठीक हो जाओगी, आमीन। और जल्दी से अपनी सर्जरी पूरी करना, आमीन। आरवा, हमारे बिना घर कैसा है? बिल्कुल भी अच्छा नहीं। बाय बाय। शफा तुम सो जाओ, कल सुबह सर्जरी होने वाली है और सब कुछ ठीक हो जाएगा, ओके? बाय। गुड नाइट शफा, गुड नाइट। गुड मॉर्निंग शफा, गुड मॉर्निंग। आज तुम्हें कैसा लग रहा है? ठीक ठाक। कल रात को हॉस्पिटल में सोना कैसा रहा, अच्छा या बुरा? ज्यादा खास नहीं। चलो फाइनली आज सर्जरी वाला दिन है, तुम तैयार हो? क्या तुम नर्वस हो या डरी हुई हो? तुम बहुत बहादुर हो।
चलो जल्दी से सर्जरी गाउन पहन लो, ओके? ओके, आज हम ब्रेकफास्ट नहीं कर सकते, ठीक है? मैंने गाउन पहन लिया। गाउन पहनकर तुमको कैसा फील हो रहा है शफा? पता नहीं, बहुत ही अजीब सी फीलिंग है। सर्जरी के लिए तैयार हूँ। बहुत अच्छा शफा, तुमने मुझे सुना और डरी नहीं। मैं डॉक्टर की कॉल का वेट कर रही हूँ ऑपरेटिंग रूम में जाने के लिए। बहुत अच्छे शफा, वेट कर रही है ऑपरेटिंग रूम में जाने के लिए। वो कुरान पढ़ रही है ताकि उसकी सर्जरी इजी हो सके, भगवान उसकी रक्षा करे। शफा बहुत ही अच्छी लड़की है। मुझे अब अच्छा फील हो रहा है। थैंक गॉड, तुम बहुत बहादुर हो। ओह माय गॉड, उसे देखो। ये पहला टाइम है जब मुझे ऐसा लग रहा है। तुम्हें कैसा फील हो रहा है? मैं बहुत ज्यादा नर्वस हूँ और डरी भी। मत डरो, ओके? देखो शफा ऑपरेटिंग रूम में जाने वाली है। देखो उसे, वो प्रे कर रही है ताकि सर्जरी सक्सेसफुल हो। हे भगवान, ऑपरेटिंग रूम में सब कुछ अच्छा हो, उसके लिए प्रार्थना करो। बेटा अभी हम एनेस्थीसिया रूम में जाने वाले हैं, क्या आप मेरे साथ आने वाली हो? वो चाहती है कि मैं उसके साथ जाऊं ताकि उसे डर ना लगे। कैसा हो सकता है? भगवान उसकी रक्षा करे। मेरी प्यारी शफा, भगवान पे विश्वास रखो, ओके? डरो मत स्वीट आर्ट, डरो मत, ओके? सब कुछ जल्दी ठीक हो जाएगा, रो मत, ओके? बाय शफा, वो ऑपरेटिंग रूम में जा रही है। शफा ऑपरेटिंग रूम में जा चुकी है। भगवान करे वो बिल्कुल सही आए और पहले से बेहतर आए। थैंक गॉड। अब मैं कुरान पढ़ती हूँ ताकि वो पहले से बेहतर होकर आए। उसके लिए प्रार्थना करो ताकि वो सर्जरी के बाद ठीक हो जाए और एनेस्थीसिया उसे परेशान ना करे। शफा को देखो, वो देखो अभी ऑपरेटिंग रूम से बाहर निकली है। थैंक गॉड, थैंक गॉड, शफा जाग गई। थैंक यू शफा, मेरी बच्ची। सर्जरी कैसी थी? क्या तुम्हें दर्द हुआ? सर्जरी से तुम्हें दर्द हुआ क्या? क्या तुम जानती हो मैं कौन हूँ? मेरा नाम क्या है? क्या है मेरा नाम? तुम अच्छे से बोल नहीं पा रही हो। ओ मेरी बच्ची। अभी शफा को एनेस्थीसिया से होश आ गया है। क्या तुम खुश हो कि तुम ऑपरेटिंग रूम से बाहर आने वाली हो? शफा को देखो, वो सोने वाली है क्योंकि वो थक चुकी है, उसे सर्जरी के बाद रेस्ट की जरूरत है। चलो एक घंटे के लिए उसे सोने देते हैं। हार्ट बीट्स देखो। थैंक गॉड, ये रेगुलर हैं। अब वो शफा को देखने आए हैं। अब्दुल्ला, बहुत बढ़िया, तुम ठीक हो ना शफा? शफा जल्दी ठीक हो जाओ। कैसी हो तुम? शफा बहुत बहादुर है, मेरी बच्ची। शफा ये फूल मैं तुम्हारे लिए लेके आया हूँ। ओ मेरी बच्ची, ये कितने अच्छे हैं। देखो वो इन्हें सूंघ रही है। तुम शफा को एज ए गिफ्ट क्या देने वाले हो? ये जब चाहेगी मैं इसे अम्यूजमेंट पार्क लेके जाऊंगा। उसे तो ट्रेन ऑफ डेथ बहुत पसंद है ना शफा? एक बार तुम्हारा पैर ठीक हो जाए फिर हम हर जगह जाएंगे, है ना शफा? जल्दी ठीक हो जाओ। भगवान तुम्हें हिफाजत से रखे शफा। सच बता रहा हूँ, तुमने तो मैं डरा ही दिया था, लेकिन खैर तुम्हारा बिल्कुल सुना सुना है शफा। हर कोई शफा से डरा हुआ था, अब देखो सब सुनसान पड़ा है। ओ बेचारी शफा। प्रॉब्लम ये थी कि शफा ऑपरेटिंग रूम के लिए लेट थी, इसलिए उन्होंने बोला सर्जरी के लिए एक घंटा लगेगा, और फिर 3 घंटे लग गए और मैं डर गई कि अंदर पता नहीं क्या हो रहा है। चलो ठीक है, वो ठीक ठाक बाहर आ गई। जब वो बाहर आई तो मुझे विश्वास नहीं हुआ सच में। सर्जरी में कैसा लगा तुम्हें शफा? मुझे कुछ फील नहीं हो रहा था। तुम्हें कोई सपना अपना आया क्या? क्या तुम्हें कोई सपना नहीं आया? नहीं। क्या तुम्हें कुछ दिखाई नहीं दिया, पैर, डॉक्टर या फिर कुछ अजीब? नो। अच्छा ठीक है फिर तो। क्या तुम अपना पैर देखना चाहोगी? हाँ। उन्होंने इसे पूरा लपेट दिया है, देखो ये लिफ्ट हो रहा है। बहुत अच्छे शफा, ये सूज गया है। सूज गया है? थैंक गॉड शफा, तुम ठीक हो माय डियर। देखो तुम्हारे लिए चॉकलेट लेके आई है, तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद है ना चॉकलेट?
ओ मेरी प्यारी बच्ची, भगवान तुम्हारी रक्षा करे। देखो वो शफा के लिए फूल लेकर आई है। शफा मेरी बच्ची, थैंक गॉड तुम ठीक हो। देखो फूल लो। वाओ गुलाबों का गुलदस्ता। आरवा थैंक यू, मुझे देखने दो। वाओ ये सच में बहुत खूबसूरत है। सर्जरी कैसी थी? मुझे कुछ पता नहीं है। एनेस्थीसिया के बाद तुम्हें क्या हुआ? मैं सो गई थी और मुझे कुछ महसूस नहीं हुआ। बहुत सुंदर रोजेज हैं। वो तुम्हारे लिए गुलाबी गुलाब लेकर आई है। देखो ये तुम्हारा फेवरेट कलर है ना। ये तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छे गिफ्ट लेकर आए हैं शफा, ये देखो। लेकिन मेरा गिफ्ट सबसे अच्छा है। मैं होटल में रहने के लिए तुम्हें टिकट्स दूंगी 2 दिन के। ये तुम मेरी जिंदगी हो, भगवान तुम्हारी रक्षा करे बेटा। जिन बच्चों को भी सर्जरी की जरूरत है वो डरे नहीं। हाँ और जो बड़े हैं वो भी ना डरे। वो कुछ पानी पी रही है और उसके बाद वो चॉकलेट खाएगी। चॉकलेट जो मेरी माँ लेकर आई थी, ये मीठी है। डिनर को देखो जो वो लेकर आए हैं। चलो शफा इसे खाएं। कम ऑन बेटा, क्या मैं तुम्हारी मदद करूँ? देखो वो डिनर में इसके लिए वेजिटेबल सैलेड, सूप, पुडिंग और दही लेकर आए हैं। क्या तुम्हें खाना पसंद आया? मुझे बहुत भूख लगी है, मैंने 18 घंटे से कुछ नहीं खाया। बोन एपेटिट, ये तुम्हारा पहला मील है जो तुम सुबह से खा रही हो और अभी शाम होने वाली है।